नमस्कार, आत्मा नमस्ते, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। और आप सभी का नए साल के अंदर नई ऊर्जा के साथ मैं स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं नए साल की 2024। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल पावर वाला ईयर, और इस ईयर के अंदर बहुत कुछ नया हम सबकी लाइफ में हो, बहुत कुछ अच्छी ऊर्जा परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की दिव्य आशीष हम सबको मिलती रहे, यही शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। जनवरी मंथ का हमारा लाइव जो है अबाउट मनी एनर्जी बूस्टिंग। तो चलिए 5 डेज बैक टू बैक, आज से लेकर लगातार शुक्रवार तक सेम टाइम 3:30 3:35 को हम शुरू करेंगे हमारे इस क्लास को। और आप सब लोग बहुत देर से जुड़ते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस लाइव को पहुंचाए। इंस्टाग्राम के ऊपर भी द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग को जरूर से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं परमात्मा के नाम के साथ नए साल की नई ऊर्जा पूजा के साथ। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। परमात्मा, गॉड, गुरु एंड ऑल द वे, ऑल द यूनिवर्सल एनर्जीज, वी ऑल आर वेरी मच थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर हीलिंग, हेल्थ, हेल्प एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट अस बिगिन टुडेज क्लास, डे वन ऑफ मनी एनर्जी बूस्टिंग, की कैसे हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से धन की ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। धन की ऊर्जा किस तरह से जीवन के अंदर हमको बहुत सारी उन्नति और प्रगति दे सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बेस उसका शुरू करेंगे, और कैसे इस धन की ऊर्जा को लेकर कुछ ऐसे 5 दिवस के अंदर 2 या 3 ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप कैसे अपने जीवन में धन की अविरत ऊर्जा ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उस आशीर्वाद को। और हाँ, इस मंथ का भी हमारा एक ना एक कोर्स, कोई ना कोई कोर्स तो आपके लिए है ही है, तो उसके बारे में भी आगे के क्लासेस में बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए, आई वेलकम वन मोर टाइम एवरीवन हु इज वाचिंग ऑन फेसबुक। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड लेट अस बिगिन टुडेज लाइव। तो शुरू करते हैं हम आत्मविश्वास के बारे में, क्योंकि जहां पर बात आती है धन की ऊर्जा के, तो पहले बात आती है कि हम शुरू कहाँ से करें। हमारे पास जॉब्स है, हमारे पास हमारे खुद के बिजनेसेस है, हम कहीं ना कहीं कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोई घर पर बैठ के कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लेडीज ऐसे हैं कि जो घर से कुछ अपना ही एक छोटा सा पर एक अच्छा एम्पायर खड़ा करके बैठे हैं। बट क्या
कैसे इस चीज के अंदर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जहां पर जो भी प्रयत्न आप अपनी साइड से कर रहे हैं टू अर्न सम मनी, मे बी यू आर वर्किंग एंड यू आर रिसीविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और मे बी यू आर रिसीविंग लैक्स, और मे बी यू आर रिसीविंग एनी नंबर ऑफ मनी, पर एक धन की जो ऊर्जा है, ये मनी का जो पावर है, उसको हम कैसे महसूस करें? हमारे कौन से ऐसे चक्रास हैं जो मनी की एनर्जी को हमको देते हैं, और कैसे ये धन की ऊर्जा हमारे अंदर आए? क्या ऐसी साधना करे, क्या ऐसा मंत्र जाप करे कि जिसके माध्यम से ये धन की ऊर्जा सतत अविरत हमको मिलती रहे, उसके बारे में बात करेंगे। बट आज बेस हम शुरू करेंगे एक छोटी सी घटना के साथ, एक छोटे से प्रसंग के साथ, क्योंकि आज का हमारा पूरा जो एक लाइफ का बेस है, एक टॉपिक अगर मैं बोलूं तो वो है आत्मविश्वास, वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस हमारे हर एक बिजनेस में, हर एक जगह पर डीलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते एक छोटी सी घटना के साथ, छोटे से एक प्रसंग के साथ। एक व्यक्ति था, एक लेट से कि शैलेश नाम का एक इंसान था, एक बंदा था। वो युवान अपने लिए जॉब की तलाश में था, हर एक जगहों पर जाता था, जॉब के लिए अप्लाई करता था, मल्टीपल इंटरव्यूज देता था, बट उसका कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। ऑल्दो ही वॉज हैविंग वेरी गुड डिग्रीज एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आती थी। नौकरी मिली ही नहीं, मिली ही नहीं, आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट उस जीवन से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि अब तो कुछ हो नहीं रहा है। आई एम तो फीलिंग वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड, अब कुछ काम का नहीं है मेरा ये जीवन, लेट मी डाई। तो वो आत्महत्या करने के लिए जाता है। ऑल्दो सुसाइड इज अनदर टॉपिक, कभी मौका मिलेगा ऐसा कोई टॉपिक रहेगा तो हम बात करेंगे कि कितने हाई लेवल के खराब कर्मास बनते हैं और कितनी हाई लेवल की खराब ऊर्जा हमारी ऑरा में सेट होती है मात्र उसका विचार करने मात्र से। तो वो सोचता है, शैलेश अपने मन में सोचता है कि छोड़ दो अब मुझे, मेरे मैं हूं नहीं इस पृथ्वी के लिए बना हुआ, इस जीवन में कुछ रखा नहीं। जाता है तालाब के किनारे, जैसे उधर जाता है छलांग लगाने जाता है, उसकी नजर पड़ती है सामने बैठे हुए एक अपाहिज व्यक्ति के ऊपर। वो घाट के ऊपर बैठा हुआ रहता है वो बंदा, जो अपाहिज व्यक्ति है, और वो घाट के ऊपर जो ऐसे राउंड में सीढ़ियां बनी है उसको चढ़ने का प्रयास कर रहा था। शैलेश को लगा इस व्यक्ति जिसके पास दोनों पांव नहीं है, एक हाथ है खाली, एक हाथ भी नहीं है, पूरा अपाहिज है, ये इतनी सीढ़ियां चढ़ के उस मंदिर तक जाएगा कैसे? क्या ये सीढ़ियां चढ़ पाएगा भला? देखते हैं। धीरे 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 वो अपाहिज व्यक्ति निरंतर संघर्ष करने लगा, प्रयास करने लगा, तो धीरे से एक से दूसरी सीढ़ी चढ़ पाया। फिर धीरे धीरे वो आगे आगे अपने हाथ का सहारा लेते लेते सीढ़ियां चढ़ने लगा, और वहां पर मंदिर जो था, चोटी के ऊपर जो पूरा मंदिर था, उस मंदिर तक वो व्यक्ति पहुंच गया। और ये देखकर शैलेश के अंदर का जो जीवन को जीने का एक जुस्सा था, खुद का जो बल था, खुद का जो आत्मविश्वास था, वो जाग उठा, और उसने सोचा कि जब ये अपाहिज व्यक्ति अगर इस घाटी की सीढ़ियां को चढ़ सकता है, उस मंदिर तक पहुंच सकता है, तो मैं स्वयं क्यों मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूँ? मैं जरूर और मेहनत करूंगा, और लगन से और जगहों पर अप्लाई करूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे जरूर से जॉब मिल जाएगा। हम बोलते हैं ना, किसी बंदे का, हमारा खुद का अंतर मन जागृत हो जाना, वैसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ हुआ। उसका अंतर मन जागृत हो गया, उसको प्रेरणा मिल गई कि अगर एक पंगु व्यक्ति निरंतर प्रयास से, निरंतर संघर्ष के साथ अगर आगे बढ़कर इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ सकता है, तो मैं तो पंचेंद्रिय पूर्ण हूँ, मैं तो जरूर कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास तो डिग्रीज भी है, चार जगह पे नहीं तो और चार जगह पर अप्लाई करता हूँ। और वो पुनः नौकरी की तलाश में झुक जाता है, और धीरे धीरे एक दो महीना रहकर उसको अच्छा एक सैलरी वाला जॉब मिल जाता है। तो ये घटना बहुत छोटी है, पर ये घटना से हमको क्या प्रेरणा मिल रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ निश्चय हो जाए, तो अपने जीवन को एक अद्भुत, एक अनोखे तरीके से
आत्मविश्वास की ऊर्जा देकर जी सकता है और अपने परिवार का भी लालन पालन पोषण कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास उस छत की तरह है कि जो बारिश को रोक तो नहीं सकता कि चलो बादल को बोल दिया बादल मत बरसना, मैं जा रहा हूं, मेरे पास तो आत्मविश्वास है, मेरे ऊपर बारिश नहीं गिरेगी, वैसा नहीं होगा। कठिनाई आएंगी, कष्ट आएंगे, पर आत्मविश्वास उस छाते की तरह है कि जो बारिश को तो नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़ा रहने का हौसला बढ़ा सकता है, हौसला दे सकता है। और ऐसा ही हौसला हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, हर इंसान के भीतर एक बात का ये बोध होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि मैं अगर इस पृथ्वी के ऊपर हूं तो कोई ना कोई कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे चूज किया है। अननेसेसरी प्रकृति किसी को धरती के ऊपर रहने का परमिशन नहीं देती है। प्रकृति अपनी तरफ से किसी भी ऐसी वस्तु का इवन क्रिएशन यानी कि सृजन भी नहीं करती है जिसकी उपयोगिता ना हो और जिसकी आवश्यकता ना हो। तो अगर हम बोले कि पहले तो हमको समझना है कि मेरा जीवन सार्थक करना है, सार्थक होने के लिए मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ। अगर आप अपने जीवन को कोस रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हैं, कैसा घर मिला है, कैसा हस्बैंड मिला है, कैसी माँ मिली है, एक्स वाई जेड, जो भी रिलेशन में आप जो भी चीजों को सोच रहे हैं, जस्ट उन सबको विजुलाइज करें कि कहीं ना कहीं वो सब भी कुछ तो सिखा रहे हैं। और उस सीख में से मुझे क्या सीखना है, मेरे को मेरे आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति और साथ साथ इस लाइफ में मैं जहां पर हूँ वहां पर मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि किसी का भी जीवन ना तो व्यर्थ है और ना ही निरर्थक है। कुछ ना कुछ संभावनाएं, कुछ ना कुछ करने के लिए हर आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित होता है। तो सबसे पहले हर प्राणी को अपनी आवश्यकता इस पृथ्वी के ऊपर उपयोगिता के साथ समझ लेनी चाहिए और खुद को जीवन देने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए हम हैं। डेफिनेटली हीलिंग एनर्जीज आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग आते हैं जॉब्स की हीलिंग करवाने, इंटरव्यूज की हीलिंग करवाने, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी सबको मिलते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम हीलिंग्स भी होती है। तो हीलिंग्स का माध्यम, हीलिंग की ऊर्जा तो है ही है, हमेशा परमात्मा की कृपा से मैं आपके साथ हूँ, पर आपको पहले खुद को ये एनर्जी, खुद को ये पावर और खुद की एक्सेप्टेंस रखनी है कि मैं इस पृथ्वी के लिए आवश्यक हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर होना रियल में कुछ मैटर करता है, मेरे खुद के लिए एज वेल मेरे फैमिली के लिए। तो जैसे जैसे ये भाव आपके अंदर प्रकट होगा, वैसे वैसे आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आप अगर कुछ एक्स वाई जेड डिप्रेशन के अंदर अगर है तो उस डिप्रेशन में से भी निकल पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी शक्ति को, अपने शारीरिक और मानसिक बल को पहचाने। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बंदे के पास अपने लेवल तक का, अपना कुछ एक दायरे तक का शारीरिक बल होता है, एज वेल थॉट के लेवल का, थॉट प्रोसेसेस का मानसिक बल होता है, कुछ ऐसी विचार शक्ति होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो अपना शारीरिक और मानसिक बल को पहचाने, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति और सिचुएशंस के प्रति हमेशा अगर आप सकारात्मक नजरिया, बेहतर नजरिया अपनाते हैं तो आप अपने खुद के व्यक्तित्व का आत्मविश्वास के साथ निर्माण कर सकते हैं। और अगर आत्मविश्वास के साथ आपका खुद का निर्माण होता है तो सबसे पहले आपके अंदर जो फियर की एनर्जी है वो फियर की एनर्जी दूर होती है। इससे आपका रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड सोलार प्लेक्सस चक्र, ये तीन जो बिलो हार्ट चक्रास के लोअर चक्रास है, ये लोअर चक्रास का पावर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। मात्र आत्मविश्वास
रखने से, खुद को हिम्मत देने से। और आत्मविश्वास कब बढ़ता है और कब आता है? जब परमात्मा के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव हमारे अंदर हो। मात्र मैं देरासर गया, मैंने टेक्निकली पूजा करी और आ गया, इज नॉट द सोल्यूशन। आप चाहे ना भी जाओ देरासर मंदिर में, उपाश्रय में, पर आप जो भी करो, एटलीस्ट 5 मिनट का जाप करो, पर उसको कितनी शिद्दत से करते हो, कितना आपका भगवत भक्ति का भाव है, वो भाव मैटर करता है। अगर आप जाते हैं टेक्निकली सारा चीजें करते हैं, वेल एंड गुड, करना ही चाहिए, शास्त्रोक्त चीजें हैं। और जितना हम परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की पूजा करें, परमात्मा को हम बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार के मंत्रोच्चार से याद करें, सत्संग से याद करें, उतना उनकी याद में हम उनकी ही ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। दैट इज रियलिटी, दैट इज रिटर्न एंड प्रूवन इन शास्त्रास एज वेल। ये हम बहुत सारे लोगों ने फील की हुई बात है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, डायरेक्ट काली माता जी से बात करते थे, तो कैसे उनको काली माँ साक्षात थी? तो उनकी उतनी श्रद्धा थी, उनकी उतनी भक्ति थी कि माँ आएंगी और मुझसे बात करेंगी, मुझे सल्यूशन देंगी। तो उनके अंदर वो क्या था? आत्मविश्वास था कि अगर मैं भक्ति करूंगा, पूरी शिद्दत और श्रद्धा से भक्ति करूंगा, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। और परमात्मा आते भी है, पर देर कहाँ पर होती है कि हम शायद उस तरह से उस परमात्मा को बुलाते नहीं। तो आत्मविश्वास की पहली नींव है कि आप जो भी करो श्रद्धा और भक्ति से करो, आपके हर कार्य को परमात्मा को समर्पित करो। जो भी आप भोजन लेते हो परमात्मा को समर्पित करो मन से, कि अभी मेरी थाली में जो भी आया परमात्मा मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये आपका भोग है, आपका प्रसाद है और अब मैं खा रहा हूँ। इसका दूसरा फायदा है, कुछ रॉन्ग चीजें आपकी थाली में आ ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के नाम स्मरण में, परमात्मा की याद में बनाई हुई चीज और खाई हुई चीज सच में परमात्मा की ही प्राप्ति करवाती। वैसे आपके जीवन की छोटी छोटी हर एक चीजों को जब आप परमात्मा को समर्पित करना शुरू कर देंगे, जीवन की 80% से ज्यादा चिंताएं दूर हो जाएंगी। और जैसे आप एंजाइटी फ्री होते हैं, 80% चिंताएं आपकी गायब होती है, आपके अंदर खुद पर भरोसा, खुद का आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींव है परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, परमात्मा का हर एक कार्य में प्रभु तू ही करता, तू ही धरता, तू ही पालनहारा, परमात्मा को समर्पित करना है। एक पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बहुत बार मैंने ये चीज बोली है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मन से ही हार गया है, जिसको मन के अंदर संदेह है, कुछ क्वेश्चंस पूछते, कुछ न्यू क्लाइंट्स आते हैं कभी तो पूछते हैं कि आप इतने हीलिंग्स करते हो, ये जो टैरोट कार्ड है क्या ये सब काम करता है, क्या ये सब सही है? तो हमेशा मेरा आंसर होता है कि जितनी आपकी श्रद्धा उतना आपको बेनिफिट, उतना आपको आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर संदेह करोगे, आप डाउट रखोगे, तो आपका माइंड ड्यूअल माइंड हो जाएगा। एंड वंस यू हैव दैट ड्यूअल माइंडसेट, तो आपको क्लैरिटी कभी कोई भी नहीं दे पाएगा। कोई भी ऊर्जा हो फिर वो नहीं दे पाएगी। पर जब आपका संपूर्ण फेथ उसमें जुड़ गया, उस चीज के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस व्यक्ति के कुछ कहने के साथ, क्योंकि एज अ हीलर आई कुड से कि कुछ चीजें रियल में ऊपर परमेश्वर बुलवाते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ चीजें नहीं होती है, पर अपने आप मुंह से निकलती है। ये मात्र और मात्र वो ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर जस्ट उनका भक्त हैं। हम बोले ना कि उनका नाम जप, उनका नाम स्मरण करने वाले एक ऐसे तुच्छ मामूली भक्त है, पर उस भक्त के हृदय से, उस भक्त के मुंह से शायद परमात्मा आपको जवाब देते हैं। तो मन में संदेह किए बिना खुद के ऊपर विश्वास रखना है, हीलिंग एनर्जी के ऊपर विश्वास रखना है। चक्रास का ये जो पूरा, मैं हर एक लाइव में कुछ कुछ बताती हूँ, और अब से एक पूरा शेड्यूल है कि हर मंथ हम लोग मिलने वाले हैं। आपको अगर पूरा 24 कोर्सेज का लिस्ट चाहिए
आप डेफिनेटली कनेक्ट करना, जिसके अंदर कुछ कोर्सेस पेड है, कुछ कोर्सेस फ्री में है, पूरा योर 2024 एंड 24 कोर्सेस आप सबके लिए ऑलरेडी डिजाइंड है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट यूनिवर्सल एनर्जी, गॉड्स एनर्जी, कि जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये सब करने के लिए. कुछ अच्छाई की जो एक चैनल है उसको आगे बढ़ाने का एक कड़ी मुझे बनाया. रियली आई एम ग्रेटफुल टू दैट एनर्जी. तो जरूर हमारे उस 24 के 24 कोर्स में जुड़िए, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आप देख पाएंगे. तो हम बात कर रहे थे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. तो वो व्यक्ति जिसके मन में संदेह है, जिसके मन में डाउट है, वो पहले से ही हार गया समझ लो, क्योंकि वो व्यक्ति का विचार क्या हो गया, कुंठित हो गया, डाउट आ गया, अरे मैं हीलिंग के लिए इतना फीस पे करूं कि नहीं करूं, ये हीलिंग काम करेगा कि नहीं करेगा, ये टैरोट के लिए पे तो कर दिया पर इसमें जो जवाब देगा वो सही देगा कि नहीं देगा. जब ये डाउट आया, आपका मन कुंठित हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ड्यूअलिटी में कन्वर्ट हो गई. तो अगर आप अपने लिए कुछ संकल्प करते हैं, आप अगर कहीं पर जुड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझसे जुड़ते हैं, तो संपूर्ण श्रद्धा से जुड़िए कि जो भी आंसर अब मिलेगा वो परमात्मा के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी का कनेक्शन, कुछ डिविनिटी का वो पावर जो प्रेरित करता है कि अच्छा पूजा तुम ये बोलो, तुम ये बताओ, तुम ऐसे बताओ, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करो, वो इंट्यूटिवली आता है. तो वो कब आ सकता है? जब परमात्मा का वो पावर सच में मदद कर रहा है. तो जरूर ये मेरी आप सबसे प्रेरणा है कि मुझसे या कहीं भी आप जुड़े, पर जहां भी जुड़े संपूर्ण श्रद्धा से जुड़े, तब आपको रिजल्ट मिलेगा. आपके आपने जो भी उसमें प्रोफेशनल फीस पे किया है उसका वर्थ इट आउटपुट मिलेगा, और तब वो ऊर्जा सार्थक होगी. और विदाउट रीजन कोई कभी किसी को मिलता नहीं है. तो अगर हम लोग कनेक्टेड है तो हमारा कनेक्ट होना भी ऊपर का कुछ डिवाइन प्लान है. तो इसलिए हमको हमारे मनोबल को क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है, एकदम स्वस्थ बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, ताकि आत्मविश्वास की ऊर्जा हमारे साथ बनी रहे, हमको सतत मिलती रहे. मजबूत शरीर और मजबूत मन तो श्रेष्ठ है, द बेस्ट है, कि आपका शरीर एकदम शरीर स्वास्थ्य मस्त है, आपका मानसिक स्वास्थ्य क्लियर है, आपको क्लैरिटी है, आपके पास प्रॉपर थॉट्स है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये सबसे द बेस्ट है. कमजोर शरीर पर मजबूत मन, ये भी चलेगा, स्वीकार्य है. विल पावर स्ट्रांग है, शायद कुछ हेल्थ इश्यू है, ठीक है, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखो, चीजें ठीक होंगी. पर अगर आपका शरीर भी कमजोर है और आपका मन भी कमजोर है, तो ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है. क्यों? क्योंकि आप शारीरिक रूप से तो बीमार हो, और शारीरिक रूप से क्यों बीमार हुए, कहीं ना कहीं आपके मन की एनर्जी में कुछ गड़बड़ हुई. तो कमजोर मन और कमजोर शरीर कभी भी ना तो परमात्मा भक्ति करने देता है, ना परमात्मा प्राप्ति करने देता है, और ना तो भौतिक जीवन के अंदर सुख सुविधा समृद्धि का आनंद लेने देता है. तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है. और आज हम सबके अंदर कहीं ना कहीं, मेरे पास जो केसेस आते हैं, आई नोटिस कि कहीं ना कहीं इंटरनल दुर्बलता घर कर गई है. मन के अंदर डाउट्स आना, निराश हो जाना, छोटी छोटी बात में हताश हो जाना, जिद, आजकल के बच्चों की छोटी छोटी जो डिमांड है, जिद जैसी डिमांड है, लाइक घर के अंदर कुछ पेट्स लेने की डिमांड, और डिफरेंट डिफरेंट डिमांड आते हैं. सो वहां पर एक बोले ना, मैच्योर इंसान की तरह पेरेंट्स को जब डील करना होता है ना, तो पेरेंट्स आर ऑल्सो इन टू दैट थॉट प्रोसेस. जब इस बच्चे को करे और समझाए तो समझाए कैसे? पहले के बच्चे ऐसे डिमांड नहीं करते थे, और अगर करते थे तो भी इनवेलिड डिमांड्स नहीं होती थी. तो यहाँ पर अगर
हम या कोई भी मतलब हमारे घर में हताश है, निराश है या निरुत्साह है, तो उनके अंदर हमको आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस जगाना है, परमात्मा भक्ति के नाम से परमात्मा का नाम लेकर उनके आत्मविश्वास को हमको वापस नई ऊर्जा संचार करवाना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शरीर से बूढ़ा हो तो फिर भी चल सकता है, पर उसके भीतर उत्साह हो, ऊर्जा हो, नई उमंग हो, एक आशा हो, तो वो अभी भी स्वीट 16 है, युवा है। पर अगर कोई युवा 16-18 ईयर का एक बच्चा अगर मन से थक गया है, मन से हताश हो गया है, पूरा दिन मोबाइल में वो कुछ क्या खेलते हैं, गेम्स कुछ मारदाड़ वाली खेलते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, मन के अंदर उत्साहहीनता है। अगर एक जगह पर अप्लाई किया, जॉब नहीं लगी, एकदम वोन केस हो जाते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कैसे फेल हुआ। आजकल के बच्चे फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो धीरता, वो एक पॉजिटिव एनर्जी जब फेल होते हैं तब के अंदर की आजकल मिसिंग है। तो अगर कोई ऐसा युवा है तो उसको खाली हम बोले ना कि उसका बॉडी युवान है, पर वो अंदर से तो बुढ़ापे के समान हो चुका है। तो हमको फॉर एवर, हम अगर 16 की एज में है, 18 की एज में है, 30s की एज में है या 80s की एज में है, हमको फॉर एवर कैसा रहना है, स्वीट 16 रहना है, हमारे अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखना है, हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रखना है। तो कैसे रखेंगे, मनी की एनर्जी अपने साथ कैसे कनेक्ट करवाएंगे, तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास डेवलप करके, क्योंकि जब आत्मविश्वास डेवलप होगा तब ये बिलीफ सिस्टम टूटेगा कि मनी की ऊर्जा खराब है। डबल कोटेशन में फिर से बोलूंगी, 95% लोग अमीर क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा कमाना धन की ऊर्जा खराब है, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो बिगड़े हुए हैं। तो जब आप बोलते हैं अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए हैं, मीन्स आप धन की ऊर्जा को मना कर रहे हैं, मुझे अमीर मत बनाना, मुझे अगर अमीर बनाया तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगे, बिगड़ जाएगा, मेरे मेरे परिवार कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमको हमारे इस बिलीफ सिस्टम को, माइंड सेट को तोड़ना होगा, धन की ऊर्जा खराब नहीं है। पहला पॉइंट, धन की ऊर्जा अच्छी है। धन की ऊर्जा कैसी ऊर्जा हो कि जिसको हम अच्छा, धन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी और पॉजिटिव लक्ष्मी के स्वरूप में ले सके। 5 days तक बहुत सारी बातें करने वाले हैं, डोंट वरी, पर पहले हमको ये माइंडसेट को तोड़ना होगा खुद के लिए, जो हमने एक बैरियर रखा है, अरे नहीं, मुझे, मैं कहाँ अमीर हूँ, मैं तो गरीब हूँ। इस माइंड सेटअप को सबसे पहले तोड़ना है, और अगर इस माइंड सेटअप को तोड़ना चाहते हैं तो आपको आपके ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, खुद का आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज को हारना या फिर खोना नहीं चाहते हैं, अपने मनोबल को अगर आप मक्कम रखना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की उत्साह, ऊर्जा, उमंग, तरंग को, विश्वास को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि जीवन में जो भी बाधाएं और कष्ट है, दे आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, पर उसको कैसे मैं डील करता हूँ, कितना मैं आत्मविश्वास रखता हूँ, कितना मैं परमात्मा विश्वास रखता हूँ। क्योंकि आत्मविश्वास भी तभी आएगा जब उसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर भरोसा होगा। आप ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, रब बोलो, जो बोलो, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ लेना। उनके ऊपर अगर भरोसा है कि माँ की ऊर्जा, माँ शक्ति की ऊर्जा, परमेश्वर की ऊर्जा मेरे साथ है, वो ऊर्जा मेरे लिए काम कर रही है, मेरे को रास्ता दे रही है, तो कष्ट आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उसका सामना कैसे किया जाए, उसकी सारी टेक्निक्स का विकास करना आर्ट ऑफ लाइफ है। वो और वो आर्ट ऑफ लाइफ आपके अंदर आत्मविश्वास का झरना
बहा देता है। तो परमात्मा भक्ति जितना करोगे आप, मैं जैसे बोला, अपने हर काम को, छोटे से छोटे काम को भी प्रभु को समर्पित करो। आप राम जी बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी नाम से आप बुलाना चाहते हो बुलाओ, हनुमान जी बोलो, जो नाम बोलना है बोलो, पर अपना सारा कुछ उनको समर्पित करो। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, परमात्मा आपको समर्पित है खा रहा हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ, आपको समर्पित है पी रहा हूँ। मैं वॉक करने जा रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ फ्रेंड बन के चलो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, मुझे फटाफट चलाओ, मेरे को वेट रिड्यूस करना है, जिम जाना है, आप चलो मेरे साथ। हर काम में जब आप परमात्मा की याद में हर काम को करोगे, वो काम भी अच्छा होगा और आप गलत नहीं कर पाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, एंड बाय प्रोडक्ट आपने उतना नाम स्मरण कर लिया काम करते करते। मन के अंदर ही तो बोलना है, आदिनाथ 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 आदिनाथ, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, जो भी बोलना है बोलो, राधा 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 राधा, जो आपके इष्ट है, आपके इष्ट का नाम मन के अंदर बोलो, ओम का जाप करो, कुछ भी काम करते करते मन में ओम 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 ओम, 2 मिनट, 1 मिनट जाप किया, फिर से काम में लग गए, फिर से 1 मिनट का जाप किया, 1 घंटा 2 घंटा रहकर, आप देखो आपका वो काम कितना अच्छे से होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी का ब्लेसिंग्स उसमें साथ में कनेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी शक्ति जो आत्मविश्वास की शक्ति है, वो भी तभी जागृत होती है। अगर मैं कुछ बहुत ज्यादा चुनिंदा लोगों के एग्जाम्पल दू, जिनको आज बोलू ना कि आज के लाइव में उनके नाम लिए बिना भी मैं रह नहीं सकती हूँ, वैसे कुछ मिसाल वाले जो लोग हैं, सबसे पहले एक महान संगीतकार की मिसाल अगर हम ले, कि जो नेत्रहीन है पर संगीत के क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन एक्सेप्ट किया है, उनका नाम है श्री रविंद्र जैन। बहुत अच्छे से ब्लाइंड होने की, नेत्रहीन होने की वो होने के साथ साथ भी उनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। विश्व को उच्च कोटि का जिन्होंने संगीत के एल्बम दिए, वो इंसान खुद बहरा था, बिथोविन। सुना होगा आपने कि बिथोविन के एल्बम्स, बिथोविन का गिटार के ऊपर का पूरा म्यूजिक, पर वो इंसान खुद सुन नहीं पा रहा था, बहरा था, उसने ये गिफ्ट दिया। संसार की बेहतरीन कविता जिन्होंने रची, वो खुद नेत्रहीन थे। नाम पता है किसी को? मार्टिन एंड रेनिन मार्टिन के साथ, जिनको भी इनके अंदर बहुत सारे, वो जो ग्रामर की बुक्स है उसमें भी उनकी बहुत सारी छोटी छोटी पोएम, छोटे छोटे फोर फोर लाइनर्स रहते हैं। तो मार्टिन जिन्होंने संसार की बेहतरीन कविताएं रची थी, हिंदी के एक साहित्यकार जो अपने दोनों हाथों से अपंग थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर की उंगलियों से जो लिखते थे, और उन्होंने 37 बुक्स लिखी है। आप सोचना, दोनों हाथ नहीं है, दो पैर के माध्यम से जो बंदा लिख रहा है, और वो भी एक या दो बुक्स नहीं, कुल 37 किताबें रचती डॉक्टर रघुवंश सहाय। तो कैसे कैसे नूर है ये तत्व, ये परमात्मा शक्ति। जब आत्मविश्वास आता है तो परमात्मा अपने आप आ जाते हैं, परमात्मा की भक्ति ही वो आत्मविश्वास की कली को खिलाती है। परमात्मा की भक्ति के बिना आत्मविश्वास आ ही नहीं सकता, और अगर आता है तो वो अहंकार है। परमात्मा के नाम लिए बिना, परमात्मा का स्मरण किए बिना, अगर आप बहुत उत्साही हो, बहुत ज्यादा आप आत्मविश्वासी हो, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास आपको एरोगेंट बना देगा, इगोइस्टिक बना देगा, आपकी लाइफ की अच्छी ऊर्जाओं को कट कर देगा, आपके साथ फिर क्रोध की, जेलसी की, वैसे सब ऊर्जाएं जुड़ जाएंगी। इसलिए नींव है परमात्मा भक्ति, और वो परमात्मा भक्ति के आने से आत्मविश्वास की कली खिलती है। एक नाम सबने सुना है, हेलन केलर। हेलन केलर जी ऐसी महिला थी जो अंधी थी, बहरी थी और मूक थी।
मतलब जो देख नहीं सकता है इंसान, जो सुन नहीं सकता है, एज वेल जो बोल नहीं सकता है, वैसी हेलन किलर ने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो अगर हम बोले जन्मांध कवि सूरदास, आज भी जिनके भजन, जिनके पद गाए जाते हैं, कृष्ण भक्ति के पद जिनके लिखे हुए हैं ऐसे सूरदास, तो प्रकृति की तरफ से जो अभाव मिला था, पंचेंद्रिय पूर्णता नहीं थी इन सबके पास, पर फिर भी कुछ कर गए। क्यों? क्योंकि वो आत्मविश्वास का बीज एक वट वृक्ष बन चुका था। और वो आत्मविश्वास का बीज वट वृक्ष कैसे बना? तो जब परमात्मा की भक्ति उसके अंदर मिक्स हुई, परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा उसके अंदर जब मिक्स हुए, उसके अंदर जब आए पनपे, तब वो आत्मविश्वास भी उनके अंदर आ गया। और उस आत्मविश्वास ने उनके अभावों को क्या बना दिया? प्रभाव बना दिया। हम बोलते हैं ना, अभाव को प्रभाव बनाना, और उस प्रभाव से क्या करना? तो जीत हासिल करना। वैसे ही जीवन के, हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई पड़ाव पर वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर इनटू अ रेस और फाइट कि आई वांट टू विन। तो वो विनिंग एनर्जी, वो विन का पावर, वो विन का भाव, और रियल में विनिंग कब होगा? जब आत्मविश्वास होगा। और वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब निष्काम भाव से कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, पार्श्वनाथ 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 आप बोलो मन के अंदर, अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठी का शरणा लो मन के अंदर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आजकल जो महान पवित्र पावन भूमि इतने 500 500 साल के बाद, जिस अयोध्या भूमि की, जो हमारे आदिनाथ भगवान की भी जन्मस्थली है, बहुत सारे तीर्थंकर परमात्माओं का भी अयोध्या में जन्म हुआ है, और यह कोई ना कोई कल्याणक है, और जो राम भगवान के अणु परमाणु से सुसज्जित ऐसी भूमि, और 22 तारीख को जब ये राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वहां की धरती का एक पावन पल, वो दिवस, वो 22 तारीख कैसी अद्भुत, कैसा अनन्य ऊर्जा, और कैसा एक सृष्टि के अंदर पॉजिटिव बदलाव आएगा, आप सब और हम सब उसके साक्षी होंगे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। शायद हम अयोध्या जा सके तो अहोभाग्य, अगर 22 को हम अयोध्या नहीं भी जा सकते हैं, घर के अंदर, मन के अंदर, मन मंदिर में राम को बिठाओ कि परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी जो ऊर्जा, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम होना, उनका जो बल, उनका जो निर्णय शक्ति, उनका जो सीधी लीटी से, सीधी नीति से चलने की भावना, ये भावना भी अगर हमारे अंदर आ जाए, तो ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमारे जीवन के अंदर भी मंगलकारी सिद्ध हो, मंगल प्राण स्वरूप प्रतिष्ठा के लिए सिद्ध हो। तो आत्मविश्वास जीवन जीने की सबसे बड़ी शक्ति है, और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई भी बड़ी संपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आत्मविश्वास आपके पास है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। वो आपके साथ, आपके, हम बोले ना, परछाई की तरह आपके साथ रहेगा। आपको कभी भी कोई सता नहीं सकता है, कभी भी किसी का डर आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के इस पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे इस नए साल के अंदर, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स के अंदर भी एक नया दौर, एक नया मुकाम, 24 की साल 2024 एंड 24 कोर्सेस में आप सभी जरूर 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 जुड़े। उसका पूरा डिटेल्स आपको इस 5 दिवस में मिलेगा, साथ साथ में कैसे मनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, कैसे चक्रास के ऊपर काम करना है, और किस तरह से खुद को ऐसी अफर्मेशन देनी है कि जिससे रियल में लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज के इस लाइव को, आज की हमारी क्लास को अंतिम 5 मिनट लेकर विराम देते हुए कि खुद को क्या बोलना है, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या बोलना है, तो यू आर अ ग्रेट वेव, तुम खुद
अपने अंदर एक महातरंग हो, महासागर हो, और वो प्रचंड आत्मविश्वास, वो प्रचंड पुण्य, वो प्रचंड आत्मशक्ति तुम्हारे अंदर ही है। खाली उसको जागृत करो, राधा नाम से उसको सिंचित करो, कृष्ण नाम से उसको सिंचित करो, तो क्या होगा? आत्मविश्वास वो आपके अंदर से आपके कार्यों के अंदर झलकेगा। तुम खुद ही सागर की एक महातरंग हो, खुद को पहचानो, सोया हुआ विश्वास जगाओ। हनुमान का सोया हुआ विश्वास श्याम जी ने जगा दिया, तो क्या हुआ? वो पूरी लंका तक पहुंच गए, इतना बड़ा समुद्र, हम बोलते ना जलधि लांग कर गए, तो पूरा जलधि, इतना बड़ा समुद्र लांग कर वो हनुमान जी जाते हैं लंका में, और पूरा जो भी आगे का हमने किस्से सारे सुने हैं, तो ये लंका तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। हमको भी परमात्मा का नाम लेकर भव जलधि से क्या निकलना है? पार निकलना है। तो आत्मविश्वास के साथ, परमात्मा की भक्ति के साथ साथ, और नेपोलियन ने अपनी सेना के अंदर, नेपोलियन जो विश्व विजेता था, होने वाला था, वो विश्व को कॉन्कर करने के लिए निकला था, उसने अपनी सेना को क्या बोला था? यू आर द ग्रेट वेव, तुम खुद ही सागर की महातरंग हो। एक वाक्य ने उसकी सेना को इतना बड़ा दुर्गम घाटी, दुर्गम जंगल सब पार करवा दिया। तो आप सोचिए, आप क्या कर सकते हैं? क्यों बैठे हो? क्यों थके हो? क्यों हारे हो? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हर रोज उगता सूरज हमको यही प्रेरणा देता है कि आज फिर उठो, फिर चलो, फिर दौड़ो, फिर से प्रयत्न करो, और परमात्मा के ऊपर रखी हुई श्रद्धा को और मजबूत बनाओ और पक्का बनाओ। उस अटल श्रद्धा को अपने आप के अंदर उतरने दो, तो आत्मवृक्ष, आत्मा विश्वास का वृक्ष, या फिर उसका जो हम बोले ना पौधा, वो जीवन के अंदर वट वृक्ष बन के खिल जाएगा, उन्नत हो जाएगा। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कुछ भी हो जाए, वी हैव टू डू दैट, वी विल डू दैट, एंड बाई एंड विथ गॉड्स ग्रेस वी कैन डू दैट। जब वो निश्चय पक्का होगा, जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छाइयों को हम हासिल कर पाएंगे। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता। पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, बहुत गहरी हैं, दो बार सुनना आप ध्यान से, कि भाई चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता, ठहरा पानी सड़ने लगता। एक पॉट एकदम भर लिया, पैक कर दिया, हवा नहीं जा रही है, सनलाइट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, भरा हुआ पानी भी चिकाश पकड़ लेता है, सड़ जाता है। तो ठहरा पानी सड़ जाता, बहता निर्मल होता है। पांव दिए हैं परमात्मा ने चलने की खातिर, पांव दिए हैं चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। लेजी होकर हम बैठ जाते, सोते रहते, खाते रहते। खाना पीना सोना आराम करना बहुत जरूरी है, करो, पर हर एक चीज का एक लिमिट है, हर एक चीज का एक टाइम है, हर एक ऊर्जा को समझो। ये ऊर्जा का साइंस बहुत ही डीपर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल्ड साइंस है। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। हम छोटे थे, हमारे नानी ये कहानी सुनाते थे, नानी दादी, कि एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है, दोनों की रेस लगती है, और उसमें खरगोश तो सोचता है, अरे मैं तो ऐसे पहुंच जाऊंगा, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर आत्मविश्वास, ये तो ठचुक 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 चल रहा है, क्या पहुंचेगा, छोड़ो। आप पहुंच के सो जाता है बैठ के, लेजी होके, जैसे बोला ना पांव पसारे बैठ गया, और वो ठचुक 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 कछुआ रुकता नहीं है, उसको श्रद्धा है परमात्मा के ऊपर कि भले मैं छोटू सा चलू, तो मेरे भगवान है ना, मेरे आदिनाथ दादा है ना मेरे साथ, मैं तो चलूंगा,
चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, निरंतर अथक प्रयास। तो वो कछुआ उस रेस को पार कर लेता है, बाजी मार जाता है कि तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, कि मेरा समय आएगा, मेरे मन में होगा तो करूंगा, कल करूंगा। और इस टाइम तो ये मैसेज बहुत चला था कि जो लोग बोल रहे थे कल करूंगा, मंडे से करूंगा, फर्स्ट से करूंगा, ये पूरे संयोग है करके कुछ ऐसा फनी मैसेज था। तो ये भी था, ये नया साल फर्स्ट तारीख थी, तब सोमवार था, तो कुछ अलग ही ऊर्जा थी तब, और उस दिन संयोग भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी काफी अच्छे थे। तो भाई धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है, धरती चलती है अपनी गति से, तारे रोज चलते हैं, यहाँ सूर्य तो वहां चंदा अमेरिका में, वहां पर चांद तो यहाँ पर, वहां पर सूर्य तो यहाँ पर चांद। तो धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन के अंदर आत्मविश्वास की ऐसी शक्ति जगाओ, खुद को गतिशील और क्रियाशील बनाओ, अपनी आंख अर्जुन की तरह लक्ष्य के ऊपर टिका के रखो और फिर प्रयत्न करो बारी बारी, धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 100, 500 प्रयत्न, छोटा या बड़ा, करते रहो करते रहो, तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर हम सबके साथ है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर लाइव सेशन, एंड कीप ऑन कमिंग टू द लाइव एवरी डे एट द सेम टाइम ऑन द फेसबुक वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग 3:30 आफ्टरनून। और चलिए अंत में पूजा की प्रेरणा है कि समाधान के लिए प्रयत्न कीजिए, वरना आप स्वयं ही समस्या बन जाएंगे। हर एक बात के अंदर जहां पर हो सके अपना पक्ष रखो, पर अगर कुछ समाधान से आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट लेके जीवन में आगे बढ़ो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही शुभकामना के साथ आप सबका बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड यस, एज आई सेड, कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर इंस्टाग्राम पेज टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, आवर यूट्यूब चैनल अगेन सेम नेम द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग टू एवरी वन, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।